किसी के घर में कोई भी बाधा हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी हो, किसी प्रकार की भूत बाधा हो, 779 दिन तक के लिए आपका मरीज तत्काल एक क्षण में ठीक हो जाता है। वो कौन सी विधि है? गौ का गौमूत्र और गोबर को हाथ में लेकर के परमात्मा का स्मरण करके भगवान विष्णु हरि का ध्यान करिए और मस्तक पे लगा लीजिए, आपकी नेगेटिविटी खत्म, भूत बाधा खत्म। मात्र गौमूत्र, गोबर, देसी गाय जिसको गौ माता कहा जाता है, गौ की तो अनेक नस्ल है लेकिन जो देसी गाय के लिए जो ग्राम स्तर पर जिसके गोबर को लेपने का जो महत्व है, बड़े बड़े कोरोना काल में मात्र गौमूत्र के द्वारा जो कच्चे घरों में रहने वाले लोग हैं, गोबर लेपन से, घर में धूप कपूर जलाने से कोरोना को भगाया। और भूत बाधा के लिए भी यही है कि गौमूत्र गोबर को हाथ में लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और अपनी बाधा का समाहित करने के लिए मस्तक पर लगा लीजिए, आपके ऊपर कई महीनों तक के लिए आपकी बाधा खत्म। लेकिन किसी सदगुरु के पास जाकर समाधान पा लीजिए, परमानेंट सफलता प्राप्त होगी। जैसे डॉक्टर कहते हैं किसी गांव स्तर पर कोई बीमार पड़ जाता है तो अपने छोटे डॉक्टर से कहते हैं अपने गांव स्तर के कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ उपाय कर दीजिए कि बड़े डॉक्टर तक पहुंच जाएं, तो हमने ये आपको साधारण उपाय बताया है कि आप अच्छे साधक तक पहुंच जाओगे। साथ ही बहुत सारे भक्त लोग अनेक अनेक चीजों से परेशान है, गांव स्तर पर सब बरसात चल रही है, किसी को बिच्छू ने काट लिया है, बिच्छू से कोई झाड़ रहा है, कोई फूंक रहा है, तो कोई इलाज करवा रहा है। तो यह सत्य है कि कोई भी जहरीला जीव काटता है तो सबसे पहले डॉक्टर की ओर जाइए, अस्पताल की ओर जाइए। लेकिन कई लोग झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं, अच्छा कोई अनुभवी है तो रुका जा सकता है। यदि हाल फिलहाल किसी को बिच्छू ने काटा है तो जिस स्थान पर काटा है उसको हल्का से अच्छी धातु के या अच्छे कांटे से जिसमें इंफेक्शन ना हो उसको हल्की जगह को खोलिए, खोलने के बाद उस पर गर्म पानी नमक का उपयोग करके धार बांध के डालिए जो आपकी बॉडी सहन कर सके, बिच्छू का जहर खत्म। और भी चीज, किसी को बिच्छू ने काट लिया, बहुत खतरनाक बिच्छू है जिसमें फंसू का ला रहा है, तो उसको जगह खोलिए, थोड़ी फिटकरी को पीसिए उस पर लगा दीजिए, बिच्छू खत्म। यदि आपको लगता है कि हमें जल्दी से ठीक करना है तो 21 बार ओम नमः शिवाय बोल करके हाथ फेर दीजिए, बिच्छू का जहर खत्म। अलग अलग प्रकार के हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, तो हम तो छोटे मोटे तो डॉक्टर घर बैठे ही बना देते हैं। कहीं हमने पर्चे लिखने वाले गुरुजी बना दिए महाराज जी, कहीं हमने झाड़बू करने वाले ओझा बना दिए, लेकिन हमने क्या बना दिए? ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी प्राचीन पद्धतियां हैं। और गुरु वही है जो अपना विद्यार्थी बनाकर अपना जैसे बना ले। उसी प्रकार जैसे सोना से हार बनता है, सोने से कान के टॉक्स बनते हैं, हाथ की अंगूठी बनती है, गले की जंजीर बनती है, लेकिन जब सोनी उसको तपाता है तो सोना सोना बन जाता है। ना हार रहता है, ना अंगूठी रहती है, ना जंजीर रहती है, ना नाक की कील रहती है, ना कान की बाली रहती है, लास्ट में वो सोना बन जाता है। गुरु वही है कि शिष्य को पढ़ाते पढ़ाते गुरु बना ले। यह अध्यात्म कहता है, यह अध्यात्म गुरुओं की पहचान है कि जो अपना जैसा बना ले वही सदगुरु है, वही आचार्य है, जो शिष्य को इतना पढ़ाए कि अपना जैसा बनाकर वो भी सबको पढ़ाए। तो श्री पंडोग सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में जितने भक्त जब आए हैं, पूछने आते हैं, तो पहले से पर्ची पर कलमबद्ध कर दिया जाता है कहां से आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं, क्या परेशानी है। कई लोग घर में लड़ने झगड़ने के लिए घर में कह के आते हैं कि हम लाइव में पूछेंगे, गुरु जी ने बता दिया, फिर आके तुम्हें गोली मार देंगे। ऐसे लोगों को पर्चा मैं लाइव में नहीं बनाता हूं, ऐसे लोगों को मैं कभी नहीं देखता। हाँ इतना जरूर है कोई प्रतियोगिता का विषय है, कोई शासन प्रशासन की कोई गाइडलाइन से कोई पंडोग धाम आया है और वो शासन प्रशासन में यदि ये परंपरा को मान्यता दी गई है और उस श्रद्धा भाव से यहां आए हैं तो मैं बताने के लिए बाध्य हूं और बता के देखूंगा और बता दूंगा, लोग संसार देख लेंगे कि पंडोग सरकार ने कुछ बताया है। तो श्री पंडोग सरकार त्रिकालदर्शी द्वार में बहुत सारे लोग आए हैं, सबके बारे में सब जो लिख के दिया जाता है